नमस्कार, डिजिटल प्रभात में मैं गायत्री वाजपेयी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई महीनों से हम लोग कोरोना नामक बीमारी का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में कई सारे लोग हैं जो इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। अगर भारत की बात की जाए तो अब तक भारत में कई लाख लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। इस बीमारी के चलते सरकार की तरफ से हमें बार बार कहा जाता है कि आप सुरक्षा के नियमों का पालन करें, साफ सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, और हम लोग उस पूरी जो नियमावली है उनका हम लोग पालन करते भी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कई सारी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वाकई में वो चीज़ें साफ सुथरी है, क्या वाकई में उनके ऊपर विषाणु का या जीवाणुओं का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये सवाल हमारे जहन में अक्सर आते रहता है और कई बार हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। साफ सफाई को लेकर हमारे मन में जितने सारे सवाल हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिलने वाले हैं। हमारे पास अभी एक ऐसा पर्याय उपलब्ध हो चुका है जिसके जरिए हम लोग साफ सफाई के ऊपर और ज़्यादातर ध्यान दे सकते हैं और निश्चित हो सकते हैं कि जो भी सारी चीज़ें हमारे संपर्क में आती है वो 110% साफ सुथरी है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है इस्तेमाल करने के लिए। तो हमारे पास इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं पुणे के इंडोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भाऊ साहेब जंजीरे सर। सर ने एक मशीन विकसित की है जिसका नाम है कोरोना किलर। ये मशीन क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है और कोरोना से मुकाबला करने के लिए हमारे कैसे काम आ सकती है, इन सारे सवालों का जवाब खुद जंजीरे सर हमें देने वाले हैं। वो कैसे, तो चलिए अब हम उसे जान के लेते हैं। सर नमस्कार। स्वागत है आपका। सर, हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी और आपके बारे में थोड़ी हमें जानकारी बताइए हमारे दर्शकों के लिए। हमारी कंपनी इंडोटेक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, हम पुणे में स्थापित है। हमारी कंपनी पिछले 20 साल से अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। विशेषतः हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्रीज, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं। और बायोमेडिकल इक्विपमेंट में काम करते करते हम लोग ये सोचा कि जब ये कोविड आया तब ये कोविड के लिए हम कुछ डिवाइस बना सकते क्या, तो ये सोचने के बाद हम इस पर काम चालू किया और ये काम अभी आपके सामने है कि इस काम से एक कोरोना किलर नामक डिवाइस हमने बनाया और ये अभी ये अभी लोगों की सेवा में हम सपोर्ट कर रहे हैं। सर, कोरोना किलर के बारे में हम बात करते हैं तो इस मशीन की क्या खासियत है और क्या बताना चाहिए, कैसे कोरोना से लड़ने के लिए मशीन हमारे लिए उपयुक्त साबित हो सकती है? जैसे आपने अभी पहले ही बताया कि हम कोरोना महामारी से हम और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना शरीर साफ करने के लिए सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीपी किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी भी बहुत सारे लोग कोरोना से अफेक्ट हो रहे, कोरोना से बीमार पड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि जहाँ जहाँ आप ये सोप, सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको मैं यदि बताऊँ तो आपके घर की अलमारी से लेकर आपके घर के बेडशीट से लेकर कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आपके घर में जहाँ जहाँ आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, आपके ऑफिस में आप देखेंगे, आपके फैक्ट्री में देखेंगे, गोडाउन में देखेंगे, जिम में देखेंगे, हॉस्पिटल में देखेंगे, जहाँ जहाँ आपको ये सैनिटाइजर, सोप और पीपी किट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी जगह से ये कोरोना का फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हम ये सारी चीज़ों को, जो पीपी है या सोप सैनिटाइजर है, हम हर जगह पे लेकर नहीं जा सकते। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हमने ये जो डिवाइस लाया हुआ है, ये डिवाइस जिस रूम में, जिस एरिया में, जिस फैक्ट्री में, जिस कार में आप लगाना चाहते हैं, वहां से वो रूम का एरिया का साइज के हिसाब से छोटा सा हवा का क्वांटम लेके, हवा छोटे पैमाने पे हवा लेके, उस हवा को इलेक्ट्रिकल सिस्टम से इलेक्ट्रोलाइसिस करके उस हवा का रूपांतर आयन में करते हैं और ये आयन हवा में दोबारा फैलते हैं और जहां जहां हवा पहुंचती है वहां वहां ये आयन जाते हैं। और जिस तरह से केमिकल सोप एंड सैनिटाइजर्स
बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और किसी भी माइक्रोबियल को डिसइंटीग्रेट करते हैं और उसके बाहरी कवच को उसको ब्रेक करते हैं। उस तरह से ये आयंस हर जगह पे सरफेस पे पहुंचकर, हर कोने में, नुक्कड़ में पहुंचकर वहाँ के माइक्रोबियल्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं। सर, आपने भी बताया कि पुणे के कई सारे अस्पतालों में और निजी दफ्तरों में भी इस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या हम इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं वहाँ पे कहाँ एग्जैक्टली इस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और उनका फीडबैक क्या है इससे रिलेटेड? यस, ये मशीन बहुत जगह पे, पुणे नहीं तो महाराष्ट्र में, हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में, हर जगह ये मशीन लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल पुणे की यदि आप बात करेंगे तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमने ये मशीन लगवाई है, नायडू हॉस्पिटल में ये मशीन लगवाई है, बहुत सारे फैक्ट्रीज में ये मशीन लगाई है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये मशीन लगाई हुई है और सबका फीडबैक ये है कि यस, जब हम लोग इसको मशीन को आप लगा रहे अपने सरफेस में तो सरफेस में कम से कम आपने जो जहाँ जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, वहाँ ये लोग कम्फर्टेबली इस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ दफ्तरों में नहीं, आप घर में भी इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये इस्तेमाल इसका मैंने आपको बोला कि घर में, आपके प्रार्थना स्थलों में, जैसे मस्जिद या मस्जिद, मंदिर, टेंपल, ऐसी जगहों पर, कार में, स्कूल में, फैक्ट्री में, कॉलेज में, आपके गोडाउन में, आपके हॉस्पिटल्स में, रेलवे कंपार्टमेंट में, देन आपके एयरक्राफ्ट में, कार में, आदि जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, जब ऐसी मशीनों के बारे में बात होती है तो बाजारों में आज भी कई सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हमने ये मशीन बनाए हुए हैं, डिसइंफेक्शन के लिए बनाए हुए हैं, तो लेकिन कई बार लोगों के पास प्रमाणीकरण नहीं होता है, वो सर्टिफाइड नहीं होते, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कोरोना किलर मशीन सर्टिफाइड है और किस एजेंसी के थ्रू इसको सर्टिफाइड किया गया है? आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग आज की तारीख में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स लेके आ रहे हैं, सैनिटाइजर्स लेके आए, दवाई लेके आ रहे हैं और वो लोग लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स अपने सरकार के हिसाब से, सरकार के मुताबिक सब सारे के सारे जो प्रोडक्ट है, जो सॉल्यूशंस है, जो पर्याय है, वो सारे गवर्नमेंट ने सर्टिफाई करना जरूरी है, गवर्नमेंट ने उसको सर्टिफाई करके फिर उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। उसी बेसिस पे जब हमने ये मशीन का खोज किया था तब हम ये मशीन जब हम सरकार के पास लेके गए तो सरकार ने हमें सुझाव दिया कि ये मशीन का आपको इफेक्टिविटी या ये मशीन वाकई काम करता है वो टेस्ट करना जरूरी है। तब हमें ये सलाह दी गई कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो साइंस, मेडिकल साइंस का जो इंस्टीट्यूट है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वहाँ पर हमने ये मशीन का एक सैंपल दिया और वहाँ उनका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV जो पुणे के पाषण स्थित है, वहाँ उन लोगों ने, वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने पूरा 3 से 4 महीने तक डिटेल स्टडी करके, डिटेल हमसे डिस्कस करके, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स देख के और मशीन का वाकई प्रैक्टिकल पर्पज स्टडी करके उन्होंने हमें इसका इफेक्टिविटी सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद हमने नायडू हॉस्पिटल जो पुणे में है वहाँ पर भी पॉजिटिव पेशेंट के कई सारे स्पूटम्स और स्वाब मशीन को एक्सपोज करने के बाद स्पेसिफिक टाइम में वो स्वाब और स्पूटम नेगेटिव आ गए और वो वहाँ पर भी हमें इफेक्टिविटी सर्टिफिकेशन मिला है। उसके बाद महाराष्ट्र का जो हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है वहाँ पर भी इस मशीन का पूरा एनालिसिस करके उन्होंने भी सरकार और सर्वसामान्य जनता को, सर्वसामान्य लोगों को इस मशीन का कोविड की जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारा PPE किट यूज करने के बाद भी जो स्प्रेड हो रहा है वो कम्युनिटी स्प्रेड जिसको हम बोलेंगे वो रोकने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का रिकमेंडेशन उन्होंने हमें दिया हुआ है। सर, जो सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि अगर सर आम लोगों को इस मशीन को यूज करना है तो कहाँ पर उनको ये मशीन अवेलेबल होगी और साथ ही में आपके एक्सपांशन प्लान के बारे में बताइए कि क्या आगे आपके प्लान रहेंगे इस मशीन के विस्तार के लिए लेकर। आपका पहला प्रश्न जो है वो उसका उत्तर यदि देना है मुझे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा अभी पूरे हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट हमने छोड़ा, ईस्टर्न पार्ट स्पेशली जो 7 स्टेट है वहाँ पर भी अभी हमारी किसी से बात हो रही, लेकिन बाकी सारे राज्यों में
सब जगह पर हमारा स्टॉकिस्ट हमारे जो टीम है वो टीम लोगों तक मशीन पहुंचाने के लिए तैयार है। आज हमें आप बताएंगे कि कल 2 बजे तक जम्मू में मशीन चाहिए तो 2 बजे तक वो मशीन वहाँ हमारा जो साथी है जो हमारे साथ काम करता है लोगों की मदद करने के लिए वो वहाँ पे मशीन पहुँचाएगा। इसका मतलब यह है कि हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग हैं। आप जैसे आपका रिक्वायरमेंट कुछ होगा तो हमें यदि उसके बारे में बताते हैं तो 4-5 घंटे के अंदर मशीन आपके पास पहुंचेगा। दूसरा जो आपका सवाल है उसका यदि जवाब देना है तो इनिशियल स्टेज में शुरू में जब हमने ये सर्टिफिकेशन किया था तो हमें नहीं पता था कि इतने बड़े पैमाने पे हमें ये मशीन का उत्पादन करना पड़ेगा। अभी हम दिन में 200 या 250 मशीन बना रहे लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और वो हम उसका जो एक्सपांशन है जो कैपेसिटी है हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं टू मेक इट हैपन 700 मशीन्स पर मंथ इतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सी ये तो हो गई हमारी लोकल मार्केट की बात लेकिन जहाँ तक आपने मुझे बताया था कि इंटरनेशनल इसमें भी आपको काफ़ी सारी इसके लिए मशीन के लिए डिमांड हो रही है और साथ ही में आप इंटरनेशनल पेटेंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी होती है। यस, आपको पता है अभी विश्व बहुत छोटा हो चुका है थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया एंड ऑल। सो जैसे ये महाराष्ट्र में या हमारे हिंदुस्तान में जैसे ये मशीन के बारे में लोगों को पता चला उसी तरह से अभी डिजिटल मीडिया के माध्यम से कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट से वन टू वन कॉन्टैक्ट से ये मशीन की जानकारी सात समुंदर के पार भी सब बहुत सारे लोगों को मिली हुई है। तो वहाँ से जैसे USA से देन आपके UAE से बहुत सारी जगह से हमें रिक्वायरमेंट आ रही है। और जैसे आपने बोला कि भारतीय पेटेंट तो हम इसको अप्लाई कर चुके हैं और भारतीय पेटेंट थोड़ी देर में हमें मिलेगा और इन अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए भी जो लोग हमारे साथ मिल के लोगों की सेवा करना चाहते हैं वो लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का भारतीय संशोधन है तो भारतीय संशोधन बाहर के लोगों से हम अच्छी तरह से बाहर से लोगों से ज़्यादा हम लोगों की मदद कैसे करें इसके लिए इसका इंटरनेशनल पेटेंट भी लेना चाहिए। इसलिए हम लोग इंटरनेशनल पेटेंट के लिए भी थोड़ी देर में जाने वाले हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। दोस्तों आपने देखा कि जंजीरा सर ने हमें बताया कि कोरोना किलर मशीन किस तरह आपको कोरोना से सामना करने के लिए उपयुक्त ठहर सकती है। उम्मीद है कि आप भी इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे अपने घर और दफ्तर के लिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मशीन का इस्तेमाल करके कैसे क्या फ़ायदा हुआ है और आपका फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।